ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक वन के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से इसके संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली से जुड़े गाजियाबाद और नोएडा के बारे में कहा है कि वहां का जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तय करेगा कि कितनी छूट देनी चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या क्या खुलेगा और कब खुलेगा। 8 जून से होटल और धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। जुलाई में स्कूल कॉलेज खोलना प्रस्तावित है भी। अगर एक केस मिलता है तो एक फ्लोर को सील करना होगा, जबकि एक से ज़्यादा केस मिलने पर पूरे के पूरे टावर को ही सील कर दिया जाएगा। केस निकला तो घर के मालिक को घर का सैनिटाइजेशन कराना होगा। दुकानदारों को फेस मास्क सैनिटाइजर रखना होगा। समस्त कार्यालयों में 100% लोग काम कर सकते हैं। कार्यालय में 3 शिफ्ट में काम होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा। नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस को पिकअप और ड्रॉप करने की सुविधा देनी होगी। बाज़ार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। सुपरमार्केट भी खुलेंगे और इसके लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। सब्जी मंडियों को सुबह 6 से 9 और फल मंडियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोला जाएगा। मिठाई की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बैठा कर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। रोडवेज बसों को संचालन शुरू कर दिया जाएगा। बस में उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं। कार में भी उतने लोग बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं। दोपहिया वाहन पर अब 2 लोगों का बैठना कोई गलत काम नहीं होगा। ऑटो में भी जितनी सीटें हैं उतने लोग बैठ सकेंगे। बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। पार्क सुबह 5 से 8 और शाम को 5 से 8 तक खुलेंगे। सैलून ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे। 1 जून से रेल सेवा भी शुरू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का ध्यान रखें। 8 जून से शॉपिंग मॉल भी खुल जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी बंद रहेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में अगर मरीज मिला तो उस क्षेत्र को 24 घंटे के लिए बंद रखा जाएगा। बस स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग होना अनिवार्य है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो ये सारे थे नए नियम जो उत्तर प्रदेश के लोगों को फॉलो करने होंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।